क्या आपको याद है, एक समय ऐसा भी था जब किसी को मैसेज भेजना होता तो हफ्तों लग जाता था उसके पास पहुंचने में। आजकल कुछ ही नैनो सेकंड में हमारा मैसेज डिलीवर हो जाता है और उससे भी रिप्लाई आ जाता है। उस जमाने में किसी को देखना होता तो उसके पास जाए बिना देख सके ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। आजकल तो कहीं जाना भी नहीं पड़ता, लाइव वीडियो कॉल से उसे देख के बात कर सकते हैं। आज के इस अद्भुत सफर में आप सभी को स्वागत है। पहले जमाने में मैसेज लिख कर भेजना सिरदर्द भरा काम था, क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी इतना विकसित नहीं हुआ था। फिजिकली पेन पेपर में लिखना होता था, उसके बाद पोस्ट ऑफिस से भेजते थे। उसमें किसी के पास पहुंचने में कई दिन या महीना भी लग जाता था। फिर धीरे धीरे आया टेक्नोलॉजी का दौर। अब मैसेज भेजने के लिए कोई पेन पेपर और पोस्ट ऑफिस की जरूरत नहीं था। कीपैड मोबाइल आने लगे, उसमें सिर्फ मैसेज टाइप करके भेज सकते थे। फिर से टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, फिर स्मार्टफोन आने लगे। अब चाहे तो अपने विचारों को इमोजी, GIF, शॉर्ट वीडियो क्लिप से उसको व्यक्त कर सकते थे। उसके साथ ही आया है वीडियो कॉल का जमाना। अब हम किसी से भी वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं, जैसे कि वो आपके सामने है। उसके साथ साथ सोशल मीडिया आया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसमें हम ग्लोबली किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ यूट्यूब के माध्यम से। ऐसे ही हुआ डिजिटल कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी का जन्म। ये था हाउ टू टेक्नोलॉजी हेल्प्स चेंज द वर्ल्ड का पहला एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे एजुकेशन और लर्निंग, हाउ टू इंपैक्ट टेक्नोलॉजी।